हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल कुमाऊँ ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज की वीडियो एडिटिंग श्री गणेश जी के ऊपर है, जो अब इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो दोस्तों, सभी मटेरियल के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए लाइक, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलते बिना देर के वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और दोस्तों, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अब आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको XML फाइल को ऐड कर लेना। तो XML फाइल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों, आपको XML फाइल पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे XML फाइल पे क्लिक करोगे, आपके पास XML फाइल कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको लिरिक्स लिखे हुए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको एक ऑडियो को ऐड करना है। तो ऑडियो की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, ऑडियो को ऐड करने के बाद अब आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट पे आ जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बस फॉन्ट को ऐड करना। तो फॉन्ट की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों, जहाँ पे लिरिक्स ख़त्म होते हैं आपको वहाँ पर आ जाना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको तीन चार में गणेश जी की फ़ोटो दे रखा हूँ, आपको उन फोटो को बारी बारी से ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको प्लस पे क्लिक करना है, आपको एक फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। फोटो को एडिट करने के बाद अब आपको थ्री डॉट कॉम पे क्लिक करना है और आपको फुल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे फोटो पे कट लगाना है और आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे आना है और आपको एक और फोटो को एड करना है। फिर से आपको थ्री डॉट कॉम पे क्लिक करना है, कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करना है और आपको फिर से लेयर को कट करना है। तो दोस्तों, कट लगाने के बाद अब आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है और आपको एक और फोटो को ऐड करना है। फिर से आपको थ्री डॉट कॉम पे क्लिक करना है, कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करना है। और फिर से आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको एक और फोटो को ऐड करना है, थ्री डॉट कॉम पे क्लिक करना है और आपको कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है और आपको एक्स्ट्रा लेयर को कट कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरी फोटो ऐड हो गई। तो आपको भी इसी प्रकार से फोटो को ऐड कर लेना है। अब दोस्तों, आपको फोटो में इफेक्ट को ऐड करना है। तो इफेक्ट के लिए आपको मैं दो लेयर दे रखा हूँ। तो सबसे पहले आपको कुमाऊँ ऑफिशियल लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट में आना है, आपको थ्री डॉट कॉम पे क्लिक करना है और आपको कॉफी इफेक्ट पे क्लिक करना है, फर्स्ट फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में आना है, थ्री डॉट कॉम पे क्लिक करना है और आपको पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देना है और आपको इनको इनेबल कर देना है। तो दोस्तों, फर्स्ट फोटो में इफेक्ट को ऐड करने के बाद अब दोस्तों आपको एक फोटो को छोड़ के दूसरी फोटो में इफेक्ट को ऐड करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो दो फोटो में इफेक्ट ऐड हो गए। अब दोस्तों, आपको दो फोटो में दूसरे इफेक्ट को ऐड करना है। तो आपको एक और लेयर दे रखा हूँ, आपको उस लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट में आना है, थ्री डॉट कॉम पर क्लिक करना है और आपको कॉफी इफेक्ट पर क्लिक करना है। आपको दूसरी फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में आना है, थ्री डॉट कॉम पे क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक करना है और आपको इनको इनेबल कर देना है। सेम इसी प्रकार आपको दूसरी फोटो में भी इफेक्ट को ऐड करना है, इफेक्ट में आना है, थ्री डॉट कॉम पे क्लिक करना है और आपको पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक करना है और आपको इनको इनेबल कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो तो कुछ इस प्रकार से हमारे इफेक्ट ऐड हो गए। तो दोस्तों, आपको एक बार मैं वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ मेरी वीडियो कैसे एडिट हुई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरी वीडियो अच्छी तरीके से एडिट हो गई है। तो दोस्तों, अब आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा एक्सपोर्ट का आइकन, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है।
तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा एक्सपोर्ट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। तो आप जैसे क्लिक करोगे आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आप भी देख सकते हो मेरी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वो भी इसी प्रकार की वीडियो एडिटिंग करना सीख सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।